गाइस वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे और एंजॉय भी कर रहे होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। हां बशीर। सो गाइस आज की तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग किस्म की होने लगी है। तो यार बहुत ज्यादा वीडियो रिक्वेस्टेड है, तो यार ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, इनका चैनल लाजम सब्सक्राइब करना। अब आते हैं वीडियो के टाइटल की तरफ, वो है फाइव रिच इंडियंस हु नेवर शो ऑफ। मतलब आज हम देखेंगे ऐसे पांच रिच इंडियंस, अमीर तरीन इंडियंस जो कभी भी शो ऑफ नहीं करते। मतलब काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो लग रही है और देखते हैं वो कौन कौन से इंडियंस हैं जो शो ऑफ नहीं करते। काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो लग रही है। ओरिजिनल वीडियो का लिंक मुझे डिस्क्रिप्शन में। तो काउंट करते हैं स्टार्ट। हेलो भाई, मैं हूं आपका फैक्ट बॉय और रात भर बस एक सवाल ने मेरी नींद उड़ा के रखी थी कि टाटा इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी होने के बावजूद अंबानी क्यों इंडिया का सबसे रिचेस्ट आदमी है। गूगल बाबा से पूछने पर पता चला कि दरअसल रतन टाटा अपनी इनकम का 60% चैरिटीज को डोनेट करते हैं। महान इंसान है यार। ये भी था, हमें भी पता था। पाटेकर आज भी अपनी माँ के साथ एक छोटे से 1 BHK फ्लैट में रहते हैं, पर ये सब न्यूज ना आजकल दिखती। जबकि अभी भी वो रोज 45,000 लोगों को खाना खिलाते हैं और अब तक 7,500,000 इसी वजह से हमारे दिमाग में यार सोनू सूद बहुत कमाल है। आलीशान चमचमाती गाड़ी और घर और ये सोने का शर्ट होता है। लेकिन आज के वीडियो में जिन लोगों से मिलेंगे उनकी सिंपल है पर डिंपल है वाली पर्सनालिटी दुनिया के सारे अमीरों को शर्मिंदा कर देगी। तो फटाफट दिमाग कट कर बोल लो क्योंकि आज तुम्हें मिलने वाला है लाइफ लेसंस के भंड। रिच इंडियंस दैट नेवर शो ऑफ। नंबर 1, APJ अब्दुल कलाम। सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग की अगर हम लोग बात करते हैं तो जाहिर सी बात है सबसे पहला नाम इंडिया के मिसाइल मैन यानी APJ अब्दुल कलाम जी का ही आएगा। वो असल में इतने दिलदार थे कि इंडिया के प्रेसिडेंट बनने के बाद 5 साल तक वो अपनी पूरी की पूरी सैलरी प्योर चैरिटेबल ट्रस्ट यानी प्रोवाइडिंग अर्बन एमिनिटीज टू रूरल एरियाज चैरिटेबल ट्रस्ट को डोनेट कर देते थे, क्योंकि उनका कहना था कि प्रेसिडेंट बनने के बाद सरकार उम्र भर उनका ख्याल रखेगी, तो क्यों ना वो अपनी सैलरी बेहतर चीजों और लोगों की मदद करने के लिए इस्तेमाल करें। और हमेशा देश के गरीब लोगों की मदद करते थे क्योंकि वो खुद एक ऐसे परिवार से थे जिन्हें काफी मुश्किलों से गुजरना पड़ा था। जब वो बस 8 साल बैठे थे ना, उनकी शुरुआत हुई थी और परिवार की मुश्किल हालात के कारण वो सुबह सुबह पेपर बांटते थे और दिन भर इमली के बीज जमा करके बेचते थे। पर सिर्फ इंसानों के लिए ही नहीं, उन्हें नेचर और जानवरों के लिए भी बहुत सहानुभूति थी। इसीलिए तो वो चाहते थे कि राष्ट्रपति भवन में सोलर पैनल्स लगाए जाने चाहिए ताकि एनर्जी सेव हो। लेकिन उनका ये सपना साकार होने से पहले ही प्रेसिडेंट के रूप में उनके 5 साल खत्म हो चुके थे। पर इसरो में काम करने और प्रेसिडेंट होने के बावजूद वो खुद को एक आम इंसान ही समझते थे, इसीलिए वो कभी भी इवेंट्स में स्पेशल या VIP चेयर पर नहीं बैठते थे और साफ इनकार कर देते थे। और उनके पास कोई उनके कुछ बुक्स थे, उनकी कपड़े, एक CD प्लेयर और एक लैपटॉप था। सोचो ना, 300 करोड़ की नेटवर्थ होने के बावजूद अपनी जायदाद के तौर पर उनके पास 300 करोड़। नंबर 2, रतन नेटवर्थ 7,000 करोड़। रतन टाटा जी लोगों के लिए एक जीती जागती मिसाल है। मतलब उनकी ये तस्वीर ही देख लो। इस तस्वीर में जो इंसान उनके सामने खड़ा है वो पहले उनकी कंपनी में काम करने वाला एक एम्प्लॉय था। रतन टाटा जी को बस एक खबर मिली कि वो इंसान पिछले 2 साल से काफी बीमार है, तब बिना किसी देरी के रतन टाटा जी तुरंत मुंबई से पुणे के लिए रवाना हो गए, वो भी बिना किसी सिक्योरिटी या बॉडीगार्ड के। भाई साहब, हम बीमार पड़ते हैं तो हमारा बॉस तो सिर्फ मैसेज पर ही हाउ आर यू करके हालचाल पूछ लेता है और बहुत मुश्किल बात है। तो अब आप ही बताओ कि कौन सा बॉस करता है, और वो भी स्पेशली तब जब तुम्हारा बॉस रतन टाटा हो। पर उनके लिए कोई नई बात नहीं है क्योंकि वो अपनी 30 कंपनी क्योंकि उनके लिए उनके एम्प्लॉइज और काफी इम्पोर्टेंट है, इसीलिए कितने हजारों लोग काम कर रहे होंगे। एम्प्लॉइज पर इफेक्ट हुआ, मतलब इतने ज्यादा लोग। हां भाई, उनसे मिले सबसे मिलने गए। साथ ही उन्होंने उन सारे एम्प्लॉयज और उनके फैमिली की लाइफ ट्रीटमेंट की और उनके सारे बच्चों की पढ़ाई की जिम्मेदारी भी ली। और जैसा कि मैंने वीडियो की पहली शुरुआत में ही बताया था कि टाटा इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है, फिर भी रतन टाटा का नाम वर्ल्ड्स रिचेस्ट मैन की लिस्ट में भी नहीं आता। इसकी वजह है कि टाटा तो अपने 66% शेयर्स डोनेट करता ही है, पर रतन टाटा अपनी इनकम का भी 60% डोनेट करते हैं। इतना ही नहीं, इनकम का भी। पैंडेमिक में इंडिया की स्थिति को थोड़ा काबू में करने के लिए रतन टाटा जी ने 1500 करोड़ रुपए डोनेट किए थे। हाँ। और उनके हिसाब से उनका ये डाउन टू अर्थ नेचर विदेश में पढ़ने के कारण बना। इन जैसा बंदा कोई नहीं है भाई इंडिया की मेहनत और पढ़ाई से ही आगे। सत्यों में ऐसा बंदा पैदा होता है। उनके नाम के आगे उनके पिता का नाम इतना इम्पोर्टेंस नहीं रखता था, और आप मानोगे नहीं, पर जब उन्होंने अपने पिता की
कंपनी में काम करने की शुरुआत की थी तब वो एमडी या सीईओ नहीं थे बल्कि वो भट्टी को साफ करने का काम करते थे। नंबर थ्री नाना पाटेकर। फिर भी नाना पाटेकर आज भी अपनी माँ के साथ एक छोटे से वन बी हालांकि लेजेंड एक्टर है। पिक्चर के 1-2 करोड़ लेते हैं और हर ब्रांड एंडोर्समेंट का 1 करोड़ लेते हैं और तो और उनकी नेटवर्थ भी 50 करोड़ है तो ऐसा तो नहीं है कि वो एक बड़ा घर अफोर्ड नहीं कर सकते। फिर आखिर माजरा क्या है? एक्चुअली बात कुछ ऐसी है कि फिल्म इंडस्ट्री में आने से पहले नाना पाटेकर की फैमिली गरीबी से गुजर रही थी जिस वजह से दिन के सिर्फ और सिर्फ 35 रुपए के लिए वो रास्ते पर जेब्रा क्रॉसिंग पेंट करने का और पोस्टर्स लगाने का काम भी करते थे। पर आज की तारीख में उनके पास इतने पैसे हैं कि वो अपनी पूरी जिंदगी ऐश के साथ बिता सकते 1995 की जीप से ट्रैवल करना पसंद करते हैं और 2015 में उन्होंने नाम फाउंडेशन की शुरुआत की और 22 करोड़ रुपए जमा करके उन्होंने कई गांव में सिंचाई की सुविधा खेती के लिए लगने वाले सामान और मशीनों का प्रबंध करके गरीब किसानों को दिया था। साथ ही वो खुद 112 किसानों के घर जाके उनसे मिले और कहा कि अगर उन्हें कभी भी ऐसा लगे कि सुसाइड के सिवाय उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है तो सबसे पहले वो उन्हें कॉल करे। पर नहीं रुकती ये पिछले 30 साल से अपनी कमाई का 90% गरीबों में दान करते आ रहे हैं। इस सिंपल जिंदगी की फिलॉसफी सुनके अगर आप नाना के फैन भी नहीं है तो भी बन जाएंगे। उनकी फिलॉसफी कुछ ऐसी है कि ये शान और शौकत ये स्टारडम सब टेम्परेरी है और एक ना एक दिन चली जाएगी और जब ये चली जाएगी तब इसके बिना जी पाना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए मैंने कभी इसकी आदत नहीं लगाई। क्या सोच रखी है यार, जड़ों को नहीं भूलने दिया। सच में मान गए नाना को। अच्छी है उनकी नकल की है। मूर्ति एंड सुधा मूर्ति 17,000 करोड़। सबसे पहले तो मैं खुद ही जानता हूँ इन्हें नहीं जानते। इनको मैं इनकी पहचान करा देता हूँ। नारायण मूर्ति इंडिया की सबसे बड़ी आईटी कंपनी में से इन्फोसिस के फाउंडर और पूर्व सीईओ हैं और उनकी बीवी सुधा मूर्ति एक ऑथर और सोशल वर्कर है और ये दोनों आज के इस वीडियो के सबसे अमीर लोग हैं। पर इन दोनों को जरा देखिए, ये इतने यार बहुत ज्यादा ऐसा नहीं बोलेगा कि इन दोनों का नेटवर्थ मिलाकर 17,000 करोड़। ये भी नहीं पता कि इसमें कितने जीरो होते हैं। तुम्हें बताओ तो कमेंट करके जरूर बताना भैया, हेल्प कर दो। पर एनीवेज इन दोनों के किए हुए अच्छे कामों को बताने के लिए तो एक अलग से लिस्ट बनानी पड़ जाएगी और इस लिस्ट में सबसे पहली चीज तो ये आएगी कि नारायण और सुधा मूर्ति ने मिलकर पूरे देश में 70,000 से भी ज्यादा लाइब्रेरीज खोली है। 70,000 लाइब्रेरीज और बाढ़ की वजह से उजड़ गए थे। इन्फोसिस फाउंडेशन के थ्रू उन्होंने इन लोगों के लिए 2,300 घर भी बनाए। 2,300 घर। कर्नाटक के कोडागु डिस्ट्रिक्ट में बहुत ही भयंकर बाढ़ आई थी तब भी उन्होंने इस बाढ़ से पीड़ित परिवारों के लिए 25 करोड़ रुपए डोनेट किए थे और अभी के इस महामारी के दौरान उन्होंने 150 करोड़ तो डोनेट किए ही, साथ ही कई हॉस्पिटल्स और कई जगहों पर पीपीई किट भी डोनेट किए। लेकिन सबसे ज्यादा दिल जीतने वाला काम किसी ने किया है तो वो किया है सुधा मूर्ति जी ने, जो सेक्स वर्कर्स और ट्रांसजेंडर औरतों को उनके अधिकार प्रदान करने के लिए दिन रात यार नाइस यार। और इसी वजह से अब तक उन्होंने 3,000 औरतों की जिंदगी बदल दी है। नंबर 5 यार इस बंदे का मैं फैन कोविड में हो गया हूं। चलिए अब बात करते हैं उस व्यक्ति की जो वैसे तो फिल्मों में विलेन का रोल करता आ रहा है लेकिन असल सीरियसली हीरो से कम नहीं। बिल्कुल सही समझे, मैं बात कर रहा हूँ सोनू। यहाँ बंदर सामने आए हैं। इस पेंडेमिक की शुरुआत में जब सरकार ने अचानक पूरे देश में लॉकडाउन लगा दिया था तब कई मजदूर ट्रेन बस सब बंद होने के कारण घर नहीं जा पा रहे थे पर उनके लिए शहरों में बिना काम के रहना बहुत मुश्किल हो रहा था इसलिए पैदल ही वो अपने घरों के लिए रवाना हो गए। लेकिन जब ये खबर सोनू सूद तक पहुंची तो वो उन लोगों की मदद करने से खुद को नहीं रोक पाए और अब तक उन्होंने 7.5 लाख लोगों को अपने घरों तक पहुंचाया है। साथ ही वो रोज 45,000 लोगों को खाना भी बांटते हैं, हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए पीपीई किट डोनेट करते हैं, यहाँ तक कि उन्होंने खुद की प्रॉपर्टी बेच के भी लोगों की मदद की है। इसीलिए फिल्म क्रिटिक सुभाष झा ने बिल्कुल सही कहा है कि सोनू सूद ही असल में इंडियन ऑफ द ईयर है। क्या लगता है सोनू सूद के लिए ये टाइटल सूट करता है या नहीं, ये कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर इस वीडियो से पहले मुझे कोई बोलता कि बैट भाई अगर आपकी लॉटरी निकल आई और आपको 10 करोड़ मिल जाए तो आप क्या करोगे, तो भाई लोग मैं तो यही बोलता कि भाई घूमता फिरता मस्ती करता चमचमाती गाड़ी और बड़ा सा बंगला लेता और अपनी पूरी जिंदगी ऐश से जीता क्योंकि अमीर ही होना मतलब यही सब करना तो होता है ना, यही तो आज तक सिखाया गया है। लेकिन आज के वीडियो में जिन लोगों के बारे में हमने बात की है वो असल में और हर किसी के लिए एक मिसाल है जो ये दर्शाते हैं कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता, एक अच्छा इंसान बनना और दूसरों की मदद करना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आपका इंस्पिरेशन कौन है? इसी के साथ हुई ये वीडियो खत्म। यार इसमें जो लेजेंड्स थे सीरियसली मैं कहता हूँ कमाल के थे। सबसे पहले बात करते हैं अब्दुल कलाम सर की।
मतलब 300 करोड़ की नेटवर्क थी अपनी, जो उनको सैलरी मिलती थी वो बिल्कुल उन्होंने मतलब फुल डोनेट कर देते, क्योंकि कहते हैं कि प्रेसिडेंट ऐसा होता होता है जिसका मतलब मरने तक ख्याल रखा जाता है, तो कहते हैं मैं पैसों का करूंगा, उन्होंने शादी भी नहीं की हुई थी जैसा कि हमें पता है, तो मतलब वो सारा डोनेट कर देते यार। मिसाइल मैन, मिसाइल दिया इंडिया को, न्यूक्लियर पावर बनाया, बहुत महान इंसान थे इसमें कोई शक नहीं यार। सच्ची बात बताऊं ना कि जब एंड में सोनू सूद को उसने बोला ना, तो कसम से मेरा भाई मेरा हालत हो गई। मतलब फॉलो करता हूँ मैं आपको बताता हूँ, कोविड था भाई, एक एक बंदे को भाई, एक एक बंदा उनको कमेंट करके बोलता था कि भाई इधर हमें केड की जरूरत है, वो फौरन बोलते थे ये अभी पहुंच रही है, एक घंटे में पहुंच रही है। मैंने उनको फॉलो किया और उनका मैंने वर्क देखा भाई, उनका वर्क देखकर सीरियसली भाई मैं कहता हूँ ये बंदे को विलन मूवीज में रखते हैं, मैं कहता हूँ ये सीरियसली भाई रियल लाइफ ओरिजिनल हीरो सोनू सूद है। जिस तरीके का उसने इस कोविड में वर्क किया भाई लोगों के लिए, उसने यार अपनी जायदाद बेच दी है इतना यार। जब उन्होंने बोला है ना कि इतने लोगों को पता नहीं हजारों के हिसाब से लोगों को उनके घर में कोविड में पहुंचाया है, क्योंकि लोग पैदल चल पड़े थे ठीक है जब कोविड आया था, तो मतलब इतने पैदल पहुंचाया गई थी उनको घर पहुंचाया यार, ये बहुत बड़ी बात होती है उनको यार, बहुत कमाल का इंसान है भाई ये। और उसके बाद आते हैं रतन टाटा सर यार, उनका तो मैं कहता हूँ किसी को मतलब बताने की जरूरत नहीं है, जितने वो उनका है उनको पूरी मतलब इंडिया को क्या पूरी दुनिया को पता है कि वो कितने चैरिटी फंड ये सब कुछ करते हैं, और अपनी इनकम का 60% और कंपनी का भी 60% देते हैं। हालांकि वो कंपनी का 60% अगर डोनेट ना होता ना, तो आज ये कंपनी शायद दुनिया की भी पहले नंबर पे बड़ी कंपनी, शायद बिल गेट्स को भी काट जाते हैं जितनी वो डोनेशन देते आ रहे हैं। हालांकि 60% अगर कंपनी की दे रहे हैं और 60% अपनी जो पेमेंट उसको जो अपने उससे दे रहे हैं, खुद अंदाजा लगा, मतलब अगर उसमें होते नहीं तो टॉप 10 में तो जरूर होते हैं भाई, टॉप 5 में टॉप 3 में होते हैं। अच्छा और गाइस भाई उसके बाद फोर्सेस वाले जो फोर्सेस वाले मियां बीवीआर मतलब उन्होंने इतना कुछ किया, 150 करोड़ सिर्फ कोविड में 2300 घर बनाना यार बहुत बड़ी बात है 2300 घर बनाना, उसके बाद किट और ये वो सब कुछ करना, और उसके बाद जो किन्नर है उनकी उनके लिए हकूक के लिए उनको लड़ना यार ये बहुत बड़ी बात बहुत होती बड़ी है, बात है। और नाना पटेकर जो अभी भी अपनी माँ के साथ रह रहे हैं और छोटे से घर में मतलब यार भाई इतना मतलब वो 30 साल से अपनी जो सैलरी है उसका 90% जो कमाते हैं, मतलब करोड़ कमाया तो 90 लाख वो मतलब 90% किसानों को ये तक बोला है कि आपको अगर मरने का आपको एंड मतलब सुसाइड लास्ट ऑप्शन हुआ तो मेरे पास आ जाना, क्या बात है। इससे बढ़कर क्या बात होगी पता है क्या, दुनिया में ऐसे लोग बहुत कम है, करोड़ों में ऐसे लोग मिलते हैं, ऐसे लोग करोड़ों में मिलते हैं, और उन अरबों करोड़ों में से ऐसे लोग जो है ना पाए जाते हैं जो इंसानियत के लिए सोचते हैं, बहुत कम ये बहुत बड़ी बात होती है, और आजकल ऐसे लोग बहुत कम है, और इंडिया में इस तरह के काफी लोग यार। पैसा तो अंबानी के पास भी है, पैसा तो वो भी करता है, वो भी करता है, लेकिन इस लिहाज से नहीं करता जैसा ये करते हैं, मतलब यार कितनी सिंपल लाइफ सही में। सो गाइस आप बताएं आपको ये वीडियो कैसी लगी, और आपकी इंस्पिरेशन कौन है कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइए। इधर वीडियो खत्म करते हैं, अपना बहुत बहुत ज्यादा ख्याल रखना, तो यार बाय।